इस मेरे भाई ने बहुत नुकसान होया, मेरे हाथ बख दे हो, इसने बहुत नुकसान होया, अस कोई नहीं बर्दाश्त कर सकने। साढ़े बच्चियां ना खतरा है, साढ़े बुजुर्ग उन्होंने खतरा है, राती बाहर आने बंदे मार देंगे, जानवर कोई ऐसा आया। इन्होंने दरवाजे ने पीछे पहाड़ियां सटियां, खिड़कियां बहुत बंद की गई, लेकिन अस आए हैं सवेरा एक हाल लगे बांधर वास पटास प्यास कट्ठे हुए हैं। इन्होंने बहुत नुकसान होया है, इन्होंने मुर्गे जड़े इधर मक्कां च पेन, बड़े तगड़े मुर्गे मक्कां च पेन, कोई चीज़ मार गया सट गई है, और बकरियां भी नुकसान कर गए। इस मेरे भरा ने हक मिलना चाहिए। आज पठानमोड़ा वार्ड नंबर 14 में एक हादसा हो गया, जिसमें कम से कम भी 5 लाख का नुकसान हुआ है। 4 बकरियां मर गई, तो कितने मुर्गे मरे हैं उनका कोई सुबह नहीं। कोई ऐसा जंगली जानवर आया है, हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके टीम भेजें, भेजकर उसका महीना लें, महीना लेकर जंगली जानवर है या क्या चीज़ है उसका, हमें उसका प्रूफ मिलना चाहिए, और इस गरीब आदमी का कम से कम नुकसान का कुछ न कुछ इसको दिया जाए, ताकि ये अपनी बेचारा ज़िंदगी बसर कर सके। और जनाब आके आप किसी को भेजो, पटवारी को भेजो, तहसीलदार को भेजो, किसी को भी भेजो, मैं डीसी साहब से अनुरोध करता हूँ, तो बर्ड लाइफ वालों को उनको हुक्म दिया जाए, वो आके इनका महीना करें, मौका देखें कि सही बात क्या है गलत क्या है। और कोई चीज़ दरवाजे खिड़कियां कैसे बंद हुई, कैसे खुली, ये तो हैरान की बात है, ताले लगे हुए कैसे खुल गए, वो सब जानवर अंदर मरे हुए हैं, बड़ी बुरी तरह से मरे हुए हैं, और देखने से भी, देखने वाले जो गाँव से अड़ोस पड़ोस के लोग आए, वो भी तो हैरान लगे हैं भाई किस हिसाब से मर गए। तो हम अपील करते हैं, विनती करते हैं कि कम से कम डीसी साहब को कोई न कोई टीम भेजकर इसका महीना करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं रहने वाली हूँ वार्ड नंबर 14 की। कैसे हुआ हादसा ये? हम रात को सोए हुए थे अंदर, हमें पता ही नहीं, हमने खिड़कियाँ दरवाजे ठीक करके बंद किए थे, तो सुबह जब हम उठे तो देखा बकरियाँ हमारी मरी हुई थी सारी, पता नहीं फिर कौन सा जानवर आया था, किसने मारा है किसने नहीं मारा कोई पता नहीं। क्या अपील करेंगे आप? हम ये अपील करते हैं कि देखें आप खुद क्या करना है, आपने क्या कार्रवाई करनी है, आपने वो आपने करनी है। डीसी साहब से अपील करते हैं हम कि हमारा इंसाफ किया जाए, हम हमारी रोजी रोटी इधर से चलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इधर से ही पलते हैं वो भी। बस गुजारिश करते हैं कि इधर पठान मोड़ा 14 नंबर वार्ड में बहुत नुकसान हुआ है, कि कोई ना कोई टीम भेज के इसका जायजा लिया जाए, और इस गरीब आदमी का नुकसान का इंसाफ किया जाए। और हम इस बहुत इस बात से परेशान है कि एक एक गाय या बकरी हम लोगों ने भी रखी है, कल हमारा भी ऐसा हादसा हो जाएगा तो हमको कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का बंदे का भरोसा भी नहीं है कि ये चीज़ बंदे को भी मार डालेगी। बच्चे जाते हैं दुकानों पे, उनको मारेगी, कोई ना कोई और हादसा हो जाएगा। इसके हम हाथ बांध के डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, और ईओ साहब से आके कोई ना कोई टीम भेज के इधर हमारा जायजा लिया जाए, और इनके नुकसान का। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं राजौरी के वार्ड नंबर 14 एरिया में पठानमोड़ा में रहता हूं। सर रात को हमारे साथ एक बड़ा एक बुरा हादसा हुआ है, जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ घर में एक रात को हम ये जहाँ जानवर रोकते हैं उसको दरवाज़ा दरवाजा बंद करके सब बच्चे अपना खाना खुना खा के सो गए, और सुबह जैसे ही हम उठते हैं और देखते हैं आगे की खिड़की खुली हुई थी, और अंदर 4-5 बकरियां मरी हुई, उसके बेचारे की जानवर कोई जंगली जानवर आ करके उसने उन बकरियों को मारा। उसके मुर्गे थे जो 3-3 हज़ार का मुर्गा आता है, उसने शौक से बेचारे गरीब आदमी ने मंगवा के रखे थे, उनको भी किसी जानवर ने मार दिया है, और बुरी हालात है। इस गरीब इस आदमी का इतना नुकसान हो गया, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, ये गरीब कहाँ जाएगा? मेरी ये गुहार है डीसी साहब से,
और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब हैं, ईओ साहब हैं, उनसे कि ये सिटी का एरिया है, वार्ड नंबर 14 सिटी के साथ लगता है, यहाँ की देखभाल की जाए, यहाँ देखा जाए कौन से जानवर आते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो रातों को यहाँ से दूर दुकान पड़ती है, दुकान पर जाते हैं, कोई बेचारा बंदा बीमार होता है, जम्मू से आ रहा होता है, दवाई लेकर के सलानी पुल पर उतरता है, वहाँ से पैदल आता है, तो रास्ते में ऐसे जानवर अगर पकड़ के किसी आदमी का कोई बुरा हालत हो जाए, किसी आदमी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, इस चीज़ से मैं ये मतलब हिसाब से अपील करना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो इस गरीब आदमी का नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई की जाए, क्योंकि ये जो ऐसा कुछ जानवर हैं जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही, इतने इतने बड़े दांत लगे हुए हैं उन बकरियों के गले के ऊपर, उन मुर्गों को ऐसे चीर चीर के फेंका हुआ है, पता नहीं क्या जानवर आया है, ये भालू है, चीता है, शेर है, कुत्ता है, क्या है, कोई समझ नहीं आई सर क्या है। इस चीज़ का जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से।